ये पैंट लो वेस्ट है और इसकी लंबाई है 35 इंच, कमर है 31 इंच और हिप है 35 इंच और मोरी है 13 इंच। तो सबसे पहले अपन ये करेंगे कि लंबाई लेंगे, 35 इंच लंबाई है तो अपन ये 34 इंच ही लंबाई लेंगे। 1 इंच जो ऊपर कम कर रहे हैं वो बेल्ट लगेगा 1.5 इंच का, तो उस वजह से ये लंबाई 35 इंच तैयार हो जाएगी। और 3 इंच अपन जो है मोरी में फोल्ड करने के लिए ले रहे हैं, इसमें अपन तुरपाई करेंगे। अब अपने को इसकी लटक लेनी है। लटक लेने के लिए 35 इंच जो हिप है उसका 1/4 करेंगे। 35 इंच का 1/4 होता है 0.9 इंच। 0.9 इंच में से अपन 1.5 इंच कम करेंगे, तो 1.5 इंच कम करेंगे तो ये 7.5 इंच रहेगा, यानी कि लटक अपनी 7.5 इंच ही अपन ये 1.5 इंच जो कम करा उसका निशान। अब अपन इसकी लूज हिप है अपनी 35 इंच, 35 इंच का 1/4 करेंगे, 0.9 इंच होगा, 0.9 इंच के अंदर अपन 1/2 इंच सिलाई का जोड़ेंगे इस तरह से, ये 1/4 इंच होगा, 1/4 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच लूज दे देंगे, तो 1/4 और 2 1/11 हो गया। 1/11 को अपन मोरी के यहाँ लेंगे, इस 1/11 का हाफ करेंगे तो 5 इंच एक सूत होगा। अब उसके बाद अपने पास 13 इंच मोरी लेनी है, तो मोरी का 13 इंच का मोरी का होता है 1/2 6.5 इंच, तो अपन इस निशान से, ये सेंटर निशान हो गया 1/11 इंच, इस सेंटर निशान पे अपन मोरी का हाफ करेंगे, 13 का हाफ हुआ 6.5, 6.5 का हाफ करेंगे अपन ये 1/3 इंच, 1/3 इंच से अपन इधर निशान लगाएंगे और 1/3 से इधर होगा तो 6.5 इंच हो जाएगा, तो ये मोरी का हाफ हो गया 6.5 इंच, 6.5 इंच। तो इस तरह से अपना ये मोरी बिल्कुल एकदम सेंटर में हो जाएगा, अपन निशान लगा देंगे इस तरह से, अपन इसको मिलाएंगे। अब अपन इसका कमर का निशान लेते हैं, तो ये अपना 1/9 इंच है, 1/9 इंच सीधा यहाँ लगा दो निशान, 1/9 का सेंटर करो, 4.5 एक सूत, और कमर है अपनी 31 इंच, 31 इंच का 1/4 करना पड़ेगा, 1/4 होता है 0.8 इंच, 0.8 के अंदर अपन 1/2 इंच इधर से सिलाई जोड़ेंगे और 1/2 इंच इधर से सिलाई जोड़ेंगे, तो 1/8 के अंदर अपन 0.8 के अंदर अपन 0.5 इंच और एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, तो 0.5 इंच एक्स्ट्रा जोड़ने से 8.5 इंच हो जाएगा। तो जो सेंटर का निशान लगाया इसके ऊपर 8.5 इंच इधर ले लेंगे, ये हो गया अपना 8.5 इंच, ये कमर का निशान होगा। अब अपन इसको स्केल से इस तरह से अपन इसको शेप दे देंगे, मिला देंगे। और यहाँ से अपन 1/2 इंच इसको थोड़ा सा क्रॉस कर देंगे, इस तरह से क्रॉस हो जाएगा 1/2 इंच। अब इसमें अपन गोलाई बना देंगे, तो इस तरह से गोलाई हो गई। अब अपन इसकी कटिंग कर लेंगे,
इसकी बैक कटिंग करेंगे। बैक कटिंग करने के लिए इसको जैसे ये बिछा हुआ था इसको अपन ऐसा घुमा देंगे। अब इसको अपन यहाँ ऐसे ऐसे बिछा देंगे। अब यहाँ से आधा इंच सिले लेंगे, कमर का 1/4, 31 इंच कमर है इसका 1/4 हो गया 1/8 इंच। हिप है अपनी 35 इंच, तो 35 इंच में अपन 1 इंच एक्स्ट्रा जोड़ देंगे लूज के लिए, तो 35 और 1 36 हो गया। तो यहाँ से सिलाई छोड़ेंगे और इधर से भी सिलाई छोड़ेंगे, इस तरह से ये 8 इंच दिख रहा है, 8 इंच अपने को 36 इंच चाहिए, तो ये 36 इंच और ये आधा इंच सिलेगा। इस तरह से अपन 8 इंच पे निशान लगा दें। ये फ्रंट आया 8 इंच तैयार, और ये 8 इंच को पकड़ के ऐसे रखेंगे, और ये 35 + 1 इंच 36, तो ये 18 हो गया, 18 × 2 = 36 हो गया, और ये आधा इंच सिले चला, ये 8 इंच पे निशान लगा दें। तो इस तरह से 36 इंच की ही हो जाएगी। फिर 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लूज रखेंगे, बैक को बड़ी रखेंगे, और इधर भी अपन 1.25 इंच मोरी के यहाँ बड़ी रखेंगे। इस तरह से वापस अपन निशान लगाएंगे, यहाँ बैक के अंदर अपन इसको 1 इंच क्रॉस देंगे, और इस तरह से ये क्रॉस का निशान लगा देंगे, और ये जो 36 इंच का निशान आया इसको भी अपन ऐसे लगा देंगे, इसको भी ऐसे लगा लेंगे। ये भी इसके लिए शायद अपन इसको निशान लगा देंगे। ये इस तरह से बैग बड़ी हो जाएगी, और इसको यहाँ से गोलाई दे देंगे, ये गोलाई। अब वो इसकी कटिंग है, तो दोस्तों बिल्कुल एकदम सिंपल पैंट कटिंग का तरीका है ये। अब अपन इसमें इसको कभी लूज करनी पड़े तो 1 इंच मार्जिन रख देते हैं, इसको ये एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया तो ये लूज हो जाएगी, कभी भी जुड़ेगी पैंट यहाँ से ये इस तरह से, और ये 1 इंच एक्स्ट्रा अंदर मार्जिन रहेगा। यहाँ सिले आई इस तरह से बोले हो जाएगी, ये पूरी इसी के ऊपर सिलाई लगेगी निशान बेल। इस तरह से थोड़ा ये एक्स्ट्रा ऊपर रहेगा, ये जो एक्स्ट्रा हुआ ये यहाँ नाट आ जाएगी इस तरह से, और ये कमर बराबर हो जाएगी। ये 1.5 इंच हो जाएगा, ये 1.25 इंच हो गया, 1/2 इंच से लेके।
इसमें क्रॉस पॉकेट लगेगा और ये 2.25 इंच क्रॉस के लिए रखेंगे और 7 इंच 7.25 इंच इसकी लंबाई होगी। इस तरह से ये क्रॉस पॉकेट बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बैग में नाट डालने के लिए अपन इसका हाफ करेंगे। ये 2.25 इंच है, 2.25 इंच का हाफ कर देंगे, 4.5 एक सूत हो जाएगा और 3.25 इंच लंबा इसमें नाट लगेगा। इस तरह से दोनों में अपन निशान लगा देते हैं और यहाँ एक कुटका लगा देते हैं। तो इस तरह से नाट हो जाएगा। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।